हेलो एवरीवन, सैमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर आपको जेन्युइन सप्लायर ढूंढना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, सो दैट आपको एक अच्छा प्राइस मिले और आप अच्छे से नेगोशिएट कर सके। और बहुत सारे फैक्टर्स है, तो आज का एक छोटा वीडियो रहेगा कि कोंगों से बातों के ऊपर ध्यान रखना, कोंगों से पॉइंट आपको आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आई कैन मेक अ मोर वीडियोस लाइक दिस, राइट। सो देखिए कैसा है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि आप जिस भी सप्लायर से बात कर रहे हो, जिससे भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आइदर वो मैन्युफैक्चरर है या एक ट्रेडर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का और ट्रेडर का रेट में आपको डिफरेंशिएट मिलेगा, क्योंकि ट्रेडर अपना मार्जिन रख के आपको रेट देने वाला है। और उसमें क्या होता है, टाइम ऑफ लाइक मैन्युफैक्चर का प्रोसेस, आप जो भी कुछ खरीद रहे हो या कुछ भी है, तो ट्रेडर के साथ वो थर्ड पार्टी तक पहुँचने में समटाइम्स इट विल टेक टाइम। तो आपको ऑलवेज रिमेंबर मैन्युफैक्चर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किए बात कीजिएगा, ताकि आपका ये टाइम बचे, ठीक है। दूसरा आता है कि उसका एक्सपीरियंस और वो इसका एक्सपर्टीज कितना है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। अब ये कैसे समझ आता है कि जब भी उसके साथ आप बात करोगे ना, तो जब वो एक्सपर्टाइज होता है आपका सप्लायर, आपको मैन्युफैक्चरर जो भी है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि सर आप ये चीज़ें ऐड ऑन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, तो आपको एक वो होगा, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस देखिए कितना है उस इंडस्ट्री में, वो उस प्रोडक्ट में। तीसरा आता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल, मैं पर्टिकुलर चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की जगह भी। तो उसका ये देखो कि कैपेसिटी कितना है। सपोज यू आर लुकिंग फॉर कि आपको एक या दो कंटेनर का काम करना है, बट एंड ऑफ द डे उसका उतना कैपेसिटी नहीं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद कि क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या यूज़ कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसने प्रोडक्ट बना लिया और आपने इंडिया में मंगवाया और आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन या सेफ्टी स्टैंडर्ड कम पड़ गया, तो ये चीज़ें पहले आप अपने CHA के साथ डिस्कस करो कि सर वी आर ब्रिंगिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंट्री, तो कोंगो इनसे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है और स्टैंडर्ड क्वालिटी, आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप इंस्पेक्शन करवा सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, उससे बात करना है कि एट द टाइम ऑफ लोडिंग लाइक इंस्पेक्शन होना चाहिए ऐसा वैसा, और जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो आपको देखना है। एक होना है कि वो जो सप्लायर है क्या वो सच में फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, मेजर टाइम लोग क्या करते हैं, आपसे पहले एडवांस लेंगे, आपके पैसे लेंगे इंपोर्ट के, लाइक आपसे पैसे मंगवाएंगे एंड उसके बाद आपको फैक्ट्री पे फिर प्रोसेस पे लगा देंगे। तो कुछ लोग ऐसे होता है कि दे आर नॉट यूजिंग देयर मनी, व्हाट दे दीज पीपल एक्चुअली डू, पैसा लेने के बाद फिर काम में प्रोसेस करते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। और एक होता है कि कम्युनिकेशन सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि आप कुछ बात कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिकेशन गैप होता है, या तो आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेटर है, स्काइप ट्रांसलेटर है, या तो आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हो, या तो आप फिजिकली कोई किसी पर्सन को हायर करके ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। तो एक ऑलवेज रिमेंबर, जो आप बात कर रहे हो वही प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए, तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपके छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और किसी को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सीखना ही एकदम बेसिक था, तो हम डिटेल में और बात करेंगे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।